ब्लैक डॉक्टर सोन की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हॉरर हॉस्पिटल इन ब्लैक डॉक्टर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था गुल्ली बुल्ली मूवी देखने के लिए बस से जा रहे थे। रास्ते में काफी मौज मस्ती होती है, गुल्ली बुल्ली इधर उधर का नजारा देखते हुए जा रहे थे और गुल्ली बुल्ली को बस में काफी मजा आ रहा था। लेकिन गुल्ली बुल्ली और सोन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। थोड़ी देर में गाड़ी खराब हो जाती है और गुल्ली बुल्ली और सोन एक हॉस्पिटल में आकर फंस जाते हैं। दरअसल बारिश काफी तेज हो रही थी, इसलिए गुल्ली और सोन बारिश से बचने के लिए इस हॉस्पिटल में आ जाते हैं। और हॉस्पिटल में आने के बाद गुल्ली और सोन को पता चलता है कि ये हॉस्पिटल पूरी तरह से हॉन्टेड है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। प्लेग डॉक्टर एक लाश के पास कुछ कर रहा होता है और तभी प्लेग डॉक्टर सोन को देख लेता है। सोन ये देखकर यहाँ से भागने लग जाता है और इधर गुल्ली दूसरी तरफ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गुल्ली के सामने एक सीढ़ी है और गुल्ली मदद मांगने के लिए किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन इसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इस घर में कोई रहता ही नहीं है। गुल्ली को ये बात पता नहीं है कि ये एक घर नहीं, ये एक हॉस्पिटल है। गुल्ली देखता है कि ये सीढ़ी सीधे ऊपर की तरफ गई है और अब गुल्ली सीधे सीढ़ी से ऊपर जाएगा और देखेगा कि इस घर में कोई रहता भी है नहीं। लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इस घर में हजारों सालों से कोई भी नहीं रहता है। दरअसल गुल्ली को ये बात पता नहीं है कि सोन एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। गुल्ली धीरे धीरे ऊपर जा रहा होता है। ये घर पूरी तरह से सुनसान था। गुल्ली को थोड़ा संभल कर जाना होगा, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। गुल्ली थोड़ी देर में ऊपर पहुंच जाता है। गुल्ली ऊपर पहुंचते ही मुड़कर देखता है और अब गुल्ली जो देखता है उसे देखकर गुल्ली के होश ही उड़ जाते हैं। गुल्ली देखता है कि ये घर तो पूरी तरह से खाली है और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। शायद इस घर में जो रहता था वो इस घर को छोड़कर चला गया है। फिर गुल्ली दूसरी गली की तरफ जाने लग जाता है। उधर जाने के बाद गुल्ली को एक बॉक्स दिखाई देता है और ये बॉक्स काफी बड़ा था। गुल्ली देखता है कि ये बॉक्स तो काफी पुराना लग रहा है। लगता है कि ये बॉक्स काफी सालों से यहीं पड़ा है, लेकिन इस बॉक्स से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? शायद इस बॉक्स में कुछ अजीब है, गुल्ली को देखना होगा। गुल्ली झुककर बॉक्स को खोलता है और अब ये जो देखता है उसे देखकर गुल्ली के होश ही उड़ जाते हैं। गुल्ली ने देखा कि किसी की लाश पड़ी हुई है यहाँ, वो भी काफी कटी छटी। ये लाश कपड़े से लिपटी हुई थी। गुल्ली सोच रहा होता है कि किसने इसकी ये हालत की है। गुल्ली काफी ज्यादा परेशान है और इस बॉक्स से काफी बदबू भी आ रही थी। हो ना हो इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गुल्ली को यहाँ से निकल लेना चाहिए। थोड़ी देर में गुल्ली वहाँ से जाने लग जाता है। गुल्ली को ऐसा लग रहा था कि गुल्ली थोड़ी देर में फंसने वाला है, लेकिन फंसने से पहले गुल्ली बाबा के पास फ़ोन लगा देता है और सारी बातें बाबा को बताना चाहता है, लेकिन पता नहीं बाबा भी फ़ोन उठाएंगे भी या नहीं। जैसे ही बाबा फ़ोन उठाते हैं गुल्ली बाबा को सारी बातें बता देता है कि कैसे गुल्ली और सोन एक घर में फंस चुके हैं। इधर सोन प्लेग डॉक्टर से बचते बचते भागकर हॉस्पिटल से बाहर आता है। सोन तो बाहर आ चुका है लेकिन गुल्ली तो हॉस्पिटल के अंदर ही फंसा हुआ है। पता नहीं गुल्ली के साथ क्या होने वाला है। बाहर आते ही सोन मुड़ जाता है और गुल्ली को चिल्लाकर कहने लग जाता है कि गुल्ली तुम जहाँ भी हो जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आ जाओ, वरना पता नहीं क्या होगा। इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता है जो कि तुम्हें काट डालेगा। लेकिन गुल्ली इसकी बात ही नहीं सुनता है और गुल्ली दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। सोन को ऐसा लगता है कि गुल्ली के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुका है। फिर सोन देखता है कि ब्लैक डॉक्टर तो चलते चलते हॉस्पिटल के बाहर आ रहा है और यहाँ काफी तेज बारिश भी हो रही है। सोन को जल्दी कुछ करना होगा। ब्लैक डॉक्टर दिखने में पूरी तरह से काला था, लेकिन जो भी हो ब्लैक डॉक्टर सोन की तरफ बढ़ते ही जा रहा है। सोन को कुछ करना होगा, लेकिन सोन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सोन अब करे तो करे क्या। थोड़ी देर में सोन के पास ब्लैक डॉक्टर आ जाता है और सोन यहाँ से भागने लग जाता है। तभी सोन और ब्लैक डॉक्टर को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और दोनों पलट कर देखने लग जाते हैं। लेकिन उधर जो भी चीज़ थी उसे देखकर सोन काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन उधर है क्या चीज़? ओह माय गॉड, यहाँ तो बाबा आ चुके हैं और बाबा की बाइक में बुल्ली भी बैठा हुआ है और बाबा का एक्सट्रीम मोड भी चालू है, यानी कि ब्लैक डॉक्टर की खैर नहीं है। ब्लैक डॉक्टर आज बचने वाला नहीं है। थोड़ी देर में बाबा अपनी बाइक को लेकर आगे जाने लग जाते हैं। पता नहीं बाबा अब क्या करने वाले हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो ब्लैक डॉक्टर को ठोक दिया और ठोकने के कारण बुल्ली भी उछलकर सीधा जमीन में गिर जाता है। बुल्ली को गिरता देख सोन उस पर हंसने लग जाता है, क्योंकि सोन को हंसी आ जाती है। लेकिन जो भी हो बाबा ने इस ब्लैक डॉक्टर को एक ही बार में बेहोश कर दिया है, लेकिन बाबा इसे ऐसे छोड़ने वाले नहीं है जब तक ये मर नहीं जाता।
ब्लैक डॉक्टर का काम तो तमाम हो ही जाएगा, लेकिन अभी तक गुल्ली हॉस्पिटल से बाहर नहीं आया है। सोन को ऐसा लगता है कि गुल्ली कोई बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, इसलिए वो अभी तक बाहर नहीं आया है। इधर गुल्ली नीचे उतरने ही वाला था कि तभी गुल्ली को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और गुल्ली तुरंत पीछे पलट कर देखता है। और अब गुल्ली को जो दिखाई देता है उसे देखकर गुल्ली के होश ही उड़ जाते हैं। गुल्ली देखता है कि कोई मॉन्स्टर चलते हुए इधर आ रहा होता है। ओह माय गॉड, ये क्या है? गुल्ली इसे देखते ही समझ जाता है कि ये कोई खतरनाक सी चीज़ है, और यह अचानक से गुल्ली के पास आ जाती है और गुल्ली को पकड़ लेती है। इधर बाबा ब्लैक डॉक्टर को मारने के बाद काफ़ी खुश थे कि तभी दोनों को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और दोनों ऊपर देखने लग जाते हैं। सोन ने जो देखा उसे देखकर सोन के होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन सोन ने ऐसा क्या देखा? दरअसल बाबा और सोन देखते हैं कि गुल्ली ऊपर लटक रहा होता है। बाबा और सोन ये भी देखते हैं कि एक खतरनाक सा मॉन्स्टर गुल्ली को पकड़ रखा है। बाबा को जल्दी कुछ करना होगा। गुल्ली लटकते हुए चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि बाबा मुझे बचाइए वरना ये मुझे छोड़ देगा और मैं सीधा नीचे गिर जाऊंगा। लेकिन ये मॉन्स्टर काफ़ी खतरनाक लग रहा था। बाबा इसे देखते ही समझ जाते हैं कि ये प्लेग डॉक्टर का भाई है। सोन प्लेग डॉक्टर के भाई से कहता है कि तुम जो भी हो गुल्ली को छोड़ दो, मेरा मतलब है कि उसे छोड़ना मत, लेकिन उसे छोड़ दो। सोन थोड़ा पागल हो चुका है क्योंकि सोन को यहाँ क्या बोलना है सोन को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सोन उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम जो भी हो तुम बाबा से मार जरूर खाओगे और बाद में तुम्हें पता चलेगा कि बाबा कितने शक्तिशाली हैं, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि चुपचाप गुल्ली को छोड़ दो। ये बात सुनते ही वो मॉन्स्टर गुल्ली को छोड़ देता है और गुल्ली सीधा गाड़ी पर आकर गिरता है और गाड़ी भी दब जाती है। अरे ये क्या, गुल्ली तो गिरने के बाद भी उठ गया है और हंसने लग जाता है क्योंकि गुल्ली को कुछ हुआ ही नहीं है। इधर गुल्ली काफ़ी देर के बाद उठता है, लेकिन गुल्ली को कुछ याद ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ था और वो आखिर यहाँ पर गिरा हुआ क्यों है। गुल्ली जैसे ही उठता है तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे पलट कर देखता है। गुल्ली देखता है कि गुल्ली गाड़ी के ऊपर से नीचे कूद जाता है और दौड़कर गुल्ली के पास जाने लग जाता है। अरे ये क्या, गुल्ली तो काफ़ी अजीब तरीके से गुल्ली के पास जाता है। गुल्ली के पास गुल्ली जैसे ही जाता है तभी गुल्ली कहता है कि गुल्ली तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं और तुम यहाँ गिरे हुए क्यों हो, और तुम तो गाड़ी ठीक कर रहे थे, यहाँ कैसे पहुँचे? गुल्ली उसे सारी बातें बताता है कि कैसे वो यहाँ पहुँचा है। गुल्ली कहता है कि मैकेनिक गाड़ी को बना रहा है और मैंने बाबा को देखा, इसलिए बाबा के साथ तुम लोगों को ढूंढने के लिए यहाँ आ गया हूँ। और गुल्ली ये भी कहता है कि बाबा ने ऐसा ब्रेक मारा कि मैं सीधा उछल कर ज़मीन में गिर चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुई है। गुल्ली बुल्ली ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी गुल्ली बुल्ली को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और ये लोग जो देखते हैं उसे देखकर गुल्ली बुल्ली के होश ही उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो सीधा गाड़ी के ऊपर आकर गिरा है और गाड़ी फिर से दब गई है, लेकिन इसे ऊपर से गिराया किसने और किसने इसकी ये हालत की है? गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। गुल्ली बुल्ली ये सब सोच ही रहे थे कि तभी गुल्ली बुल्ली को कुछ दिखाई देता है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि बाबा तो बाइक में है ही नहीं, बाबा इतना जल्दी कहाँ चले गए? तभी गुल्ली बुल्ली ऊपर देखने लग जाते हैं। ओ माय गॉड, बाबा तो ऊपर पहुँच चुके हैं और बाबा ने ही मॉन्स्टर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया है। काफ़ी देर देखने के बाद बाबा वहाँ से जाने लग जाते हैं क्योंकि बाबा अब नीचे आएंगे और नीचे वो मॉन्स्टर की धुलाई करेंगे। काफ़ी देर बेहोश होने के बाद ये प्लेग डॉक्टर उठकर खड़ा हो जाता है। ब्लैक डॉक्टर जैसे ही उठकर खड़ा होता है तभी ये किसी को देख लेता है और ब्लैक डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोन इसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ है कौन? अरे ये क्या, ब्लैक डॉक्टर के सामने तो बाबा खड़े हैं और बाबा ब्लैक डॉक्टर को एक मुक्का मार देते हैं और ब्लैक डॉक्टर फिर से गिर जाता है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। लेकिन बाबा ने ब्लैक डॉक्टर को तो मार दिया, लेकिन अब बाबा वो मॉन्स्टर को मारेंगे जो कि गाड़ी पे था। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। तभी बाबा पीछे पलटकर देखते हैं। बाबा देखते हैं कि वो मॉन्स्टर चलते हुए बाबा की तरफ आ रहा होता है। बाबा को कुछ करना होगा। बाबा मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देख उछलकर मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली और सोन काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि बाबा इसे लड़ भी पाएंगे या नहीं, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये विश्वास है कि बाबा इसे मार ही देंगे। अरे ये क्या, बाबा ने तो इसे सुपर पंच मार दिया है और इसकी एक बार में ही मौत हो गई है। इस मॉन्स्टर की मौत तो हो ही गई है, लेकिन अब बाबा इस डॉक्टर को मारेंगे क्योंकि ये डॉक्टर की अभी तक मौत नहीं हुई है
और ये डॉक्टर वापस से उठकर खड़ा हो जाता है। बाबा ने तो आज ये सोच लिया है कि बाबा ये दोनों का कचूमर निकाल देंगे। ये डॉक्टर जैसे ही उठकर खड़ा होता है तभी ये डॉक्टर को कुछ दिखाई देता है और डॉक्टर बाबा को देखने लग जाता है। अरे ये क्या, बाबा तो इसके ऊपर उछल रहे हैं और थोड़ी देर में बाबा वहां से उछलकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ओह माय गॉड, बाबा तो इसे काफी अजीब तरीके से मार रहे हैं और ये डॉक्टर सीधा उछलकर पेड़ में जाकर लटक जाता है और ये डॉक्टर यहीं पे दम तोड़ देता है। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी खुश हो जाते हैं और इस तरह से बाबा ने एक बार फिर से गुल्ली बुल्ली और सोन की जान बचाई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई नई वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें।